हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा है समुच्चय, तो आज हम समुच्चय की पहली प्रश्नावली 1.1 जो NCERT से है को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास किताब होगी, हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारे पास है, कह रहे हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। सबसे पहली बात तो प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। आपको पहले तो ये बताना है कि वो समुच्चय है कि नहीं है, फिर आपको उसका क्या करना है, औचित्य। औचित्य का शाब्दिक अर्थ है कि आप उसका कारण बताइए कि वो समुच्चय है तो क्यों। जैसे पहले वाले सवाल में उन्होंने कहा है, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। तो जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, आप जान रहे हैं एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12 माह होते हैं। 12 माह में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके हमारा कहाँ तक, दिसंबर तक आता है। तो उन्होंने पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि आप एक ऐसा समुच्चय लिखिए जो वर्ष के महीनों से संबंधित हो, लेकिन उसका पहला अक्षर क्या हो, जे। तो सबसे पहला अक्षर अगर हम जे की बात करें तो कौन आ जाएगा, जनवरी। जनवरी में जे सबसे पहले रहता है, फिर कौन आएगा, फरवरी में एफ होता है, इस वजह से फरवरी नहीं आएगी। मार्च में एम होता है, इसलिए मार्च नहीं आएगा। अप्रैल में ए होता है, इस वजह से अप्रैल नहीं आएगा। फिर मई भी नहीं आएगी, क्योंकि मई में एम होता है। फिर आएगा जून, क्या आएगा, जून, क्योंकि जून भी क्या होता है, जून में भी शुरुआत किससे होती है, जे से होती है। जून के बाद कौन आएगा, फिर से आएगा जुलाई, कौन आएगा, जुलाई। जुलाई में भी प्रारंभ किससे होता है, जे से होता है। जनवरी, जून, जुलाई, फिर उसके बाद कौन आएगा, अगस्त आएगा। अगस्त की शुरुआत ऐसे होती है, इसलिए अगस्त नहीं लिखा जाएगा। अगस्त के बाद कौन, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। तो ये सब महीने यहाँ कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ हमने जो लिखा है वो कौन कौन है, जनवरी है, जून है और कौन, जुलाई। तो ये जो सब जो महीने हैं इनका पहला अक्षर कौन होता है, जे होता है। तो यहाँ जो हमने लिखा है वो सब कौन कौन से हैं, जे से ही प्रारंभ होने वाले हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, समुच्चय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय है। हमें यहाँ सबसे पहली बात तो यही बताना है कि समुच्चय है कि नहीं है, अगर है तो कारण बताइए। तो कारण हमने क्या कहा कि यह जो समुच्चय दिया गया है वो क्या है, इस प्रकार परिभाषित है कि इसमें लिखे गए सभी अवयवों का पहला अक्षर क्या है, जे है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग, ध्यान से देखिए, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी समुच्चय लिखिए, ए ही लिख लीजिए, कोई समुच्चय लिखिए, यहाँ हमें हाँ या नहीं बताना है, क्या बताना है, हाँ या नहीं, समुच्चय है कि नहीं, पहला वाला तो है। अब आप बताइए कि 10 लेखकों की बात कर रहे हैं, 10 लेखकों की बात कर रहे हैं, भारत में इतने लेखक हुए हैं जिनमें से हमें क्या करना है, 10 को चुनना है। तो 10 को कौन कौन सा चुने, जिन्हें हम चुनेंगे उसे आप नहीं चुनेंगे, जिसे आप चुनेंगे उसे हम नहीं चुनेंगे, इसलिए ये समुच्चय क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है। ये एक प्रकार का क्या है, समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो लेखकों का समुच्चय है हमारा, इसमें 10 प्रतिभाशाली लेखक, क्या कह रहे हैं, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। आपके हिसाब से तो प्रतिभाशाली लेखक कोई और हो सकता है, हमारे हिसाब से कोई प्रतिभाशाली लेखक और हो सकता है, इसलिए यह जो दूसरा वाला है यह हमारा क्या है, दूसरा वाला हमारा समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, देखिए ध्यान से, विश्व के 11 बल्लेबाजों की बात करें, अगर हम लोग फिर से बात करें 11 बल्लेबाजों की, तो हमारे पास मान लीजिए हमने समुच्चय क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है, समुच्चय बी लिखा। तो समुच्चय बी में आप क्रिकेट तो देखते ही होंगे, क्रिकेट में 11 बल्लेबाजों की बात हो रही है और हमारे पास इतने बल्लेबाज हैं
कि आपकी पसंद अलग है और हमारी पसंद अलग। इसी वजह से जो हमारा तीसरा वाला समुच्चय है वो भी हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि 11 बल्लेबाजों का नाम हम यहाँ जब लिखेंगे तो वो जो 11 बल्लेबाज हैं वे विश्व के, विश्व में तो बहुत से बल्लेबाज हैं जो क्या हैं, प्रतिभाशाली हैं, इसलिए हम यहाँ 11 बल्लेबाजों की सूची को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये दूसरा तीसरा वाला सवाल भी हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चौथी सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथी सवाल में उसने कहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मतलब आपकी कक्षा, ये कौन सी कक्षा चल रही है, क्लास 11 की क्लास चल रही है, तो क्लास 11 के विद्यार्थियों की बात हो रही है। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, एक समुच्चय लिख दिया, और समुच्चय में लिख दिया कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो भैया यहाँ हमने लिखा क्या, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। आप बताइए कक्षा सिर्फ 11 की बात हो रही है ना, इसमें कोई 12 का विद्यार्थी है, इसमें कोई 6 का विद्यार्थी है, नहीं है, इसमें सिर्फ किस कक्षा के विद्यार्थी हैं, 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। इसलिए जो ये दिया गया समुच्चय है वो क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, समुच्चय में कक्षा 11 की ही केवल हो रही है। हमने आपको बताया था कि जो समुच्चय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित। जब बात बोल दी गई है कक्षा 11 के लिए, इसमें कोई कक्षा 10 का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी प्रकार से पांचवी सवाल की ओर। पांचवी सवाल में उन्होंने कहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम, मान लीजिए हमने कोई समुच्चय लिख दिया डी, और उन्होंने क्या बोला है, आप प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय लिखिए जो क्या हो, 100 से कम हो। 100 से क्या हो, कम। हमने प्राकृतिक संख्या लिखना शुरू करा, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हो रही होती हैं, 1, 2, 3 ... ऐसे में कहाँ तक लिखना है, 100 तक लिखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा है 100 से कम, मतलब हमें कहाँ तक लिखना है, 99 तक। कहाँ तक लिखना है, 99 तक। तो आप ये देखेंगे तो ये समुच्चय जो पांचवे वाले में उन्होंने लिखा है, पांचवे वाले में भी वो जो समुच्चय हमारा वो कैसा है, परिभाषित है। क्यों, क्योंकि वो 1 से लेकर 99 तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इसमें और किसी कोई भी संख्या कंसीडर नहीं की जा रही है। तो 1 से लेकर 99 तक की 100 से कम जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब क्या है, परिभाषित है और एक ही समूह में है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है, पांचवी के बाद छठी सवाल में वो क्या कह रहे हैं, छठी सवाल में कह रहे हैं लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। देखिए लेखक प्रेमचंद, अब उन्होंने किसी स्पेशल लेखक का नाम ले रखा है, क्या ले रखा है, वो लेखक कौन से हैं, प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद। ध्यान से देखिए प्रेमचंद की बात हो रही है, तो प्रेमचंद ने जो भी उपन्यास लिखा है, कंकाल, तितली, इरावती वगैरह, तो वो सब क्या है, पहली बात तो प्रेमचंद की बात हो रही है, तो प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे होंगे उसमें तो सिर्फ प्रेमचंद के उपन्यास लिखे जाएंगे। तो जब से प्रेमचंद के ही उपन्यास लिखे जाएंगे तो वो तो समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। जब समुच्चय हमारा परिभाषित हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बात कही जा रही है वो क्या है, सही है, परिभाषित है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सातवीं सवाल की ओर। देखिए सातवीं सवाल में कह रहे हैं सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। चलिए सम पूर्णांक लिखने हैं हमें ना, ई के बाद हम लोग कोई समुच्चय लिख लेते हैं, कौन सा, यफ। क्या लिख लेते हैं, यफ, संपूर्णांक। संपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6 कहाँ तक, ऐसे ... हमें अंतिम तक लिखना है, क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन नहीं बताई पांचवी सवाल की तरह कि प्राकृतिक संख्याओं को तो आप लिखिए लेकिन 100 से कम लिखिए। यहां उन्होंने सिर्फ बोला है कि क्या लिखिए, आप सम संख्याओं का संग्रह लिखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि सम संख्याओं के संग्रह में जिन संख्याओं को हम लिखेंगे वो कौन है, 2, 4, 6 ... ऐसे इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्याएं आएंगी, सम संख्याएं आएंगी, इसमें विषम संख्याएं नहीं आएंगी। इसलिए ये समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। और यदि समुच्चय परिभाषित हो जाता है तो हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, उसे समुच्चय है, क्योंकि पहली सवाल में उन्होंने कहा ही है कि सिर्फ आप इन समस्याओं को पढ़ करके यह बताइए कि दिया गया समुच्चय क्या है, समुच्चय है
या नहीं है। यदि आप हाँ कहेंगे तो आपको क्या बताना पड़ेगा, उसका औचित्य भी बताना पड़ेगा। तो हमने इसमें कहा है कि ये हमारा जो सम संख्याओं का समुच्चय है वो समुच्चय है, इसका औचित्य है कि ये जो समुच्चय है वो क्या है, सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है। अगली सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आठवीं सवाल की ओर। आठवीं सवाल में उन्होंने कहा है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का मतलब हम एक अन्य समुच्चय भी लिख लेते हैं। अब के बाद क्या लिख लेते हैं? जी, मैं आशा कर रहा हूं आपको ये समुच्चयों के नाम ए बी इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम ये समुच्चयों के नाम कैसे लिख रहे हैं तो प्लीज हमारा पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। जी, हम क्या लिख रहे हैं? जी लिख रहे हैं। जी में उन्होंने क्या कहा है कि इस अध्याय से आने वाले प्रश्नों का, हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? हम अध्याय पढ़ रहे हैं समुच्चय। क्या पढ़ रहे हैं? समुच्चय। तो आप बताइए कि समुच्चय में जो प्रश्न आएंगे क्या वे समुच्चय के ही होंगे? समुच्चय के ही तो होंगे। समुच्चय में आने वाले जो भी प्रश्न होंगे, जिस चैप्टर से वो लिए जा रहे होंगे, वो किससे होंगे? समुच्चय से ही होंगे। तो भैया यहाँ जो समुच्चय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह की बात हो रही है वो भी हमारा क्या हो गया? परिभाषित हो गया। ये नंबर सीरीज से तो नहीं हो जाएगा, संबंध फलन से तो नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ जो भी प्रश्न यहाँ लिखे जाएंगे वो सभी क्या रहेंगे? किससे रहेंगे? समुच्चय नामक चैप्टर से रहेंगे। इसलिए यह समुच्चय भी हमारा क्या है? परिभाषित है। इसलिए यह भी क्या है? हमारा समुच्चय है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आठवें के बाद अंतिम प्रश्न की ओर, पहले के अंतिम प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ऐसे हमने सवालें लगाई हैं। कौन कौन सी सवालें लगाई हैं? सवाल नंबर 2 आप देख लीजिए, सवाल नंबर आप 3 देख लीजिए, और उसी टाइप से सवाल नंबर कौन सी देख लीजिए, 9। जैसे मैं आपको सवाल नंबर 2 और 3 के बारे में फिर से बता रहा हूं कि सवाल नंबर 2 और 3 में उन्होंने कहा था कि विश्व के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के बारे में, और सवाल नंबर 3 में कहा गया था विश्व के 11 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों के बारे में। उसी प्रकार से यहाँ क्या कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो आपको समझ में आया होगा कि सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय तो बहुत सारा हो सकता है, उसमें कौन से जानवर लिखे जाएं ऐसा तो बन नहीं पाएगा। तो खतरनाक जानवरों का जो समुच्चय होगा वो क्या हो जाएगा? परिभाषित नहीं होगा। क्या होगा? परिभाषित नहीं होगा। इसलिए हमारा जो 9वां होगा यह भी हमारा क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि मान लीजिए एक समुच्चय क्या है, ए है, जिसमें क्या लिखे गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है? ये सब समुच्चय के क्या है? अवयव है। ठीक है, अवयवों को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? एलिमेंट ऑफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एलिमेंट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अवयव है, अवयव है। ठीक है ना? तो प्रश्न में कहा गया है कि मान लीजिए एक समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 से मिलकर बना है, तो रिक्त स्थानों में क्या कीजिए, एफसाई ये अवयव है या अवयव नहीं है को क्या कीजिए, भरिए। ठीक है, इसमें से पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि जो 5 है खाली स्थान ए, क्या क्या भरा जाएगा, अवयव है कि अवयव नहीं है। तो आप देखिए प्रश्न में लिखा है समुच्चय ए और उसके अवयव में क्या 5 है? हाँ, आप क्या है, 5 है। इसलिए यहाँ क्या भरा जाएगा, समुच्चय 5, अवयव है किसका, ए का। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर दो में क्या है, 8, क्या लिखा है, 8 खाली स्थान है, फिर ए लिखा गया है। क्या बता सकते हैं आप लोग कि जो 8 है वो हमारा इस समुच्चय का अवयव है? समुच्चय जो 8 है वो इसमें है। तो आप देख रहे होंगे जो अवयव 8 है वो इसमें अवेलेबल नहीं है, यहाँ संख्याएं सिर्फ 6 तक हैं, इसलिए यहाँ क्या भरा जाएगा, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। फिर इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल नंबर जो 3 है वहाँ उन्होंने कहा है कि 0, क्या कहा है, 0 क्या भरा जाएगा, फिर क्या लिखा है उन्होंने, ए। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या भरना है, यहाँ अवयव है या अवयव नहीं है। तो हम लोग यहाँ फिर से क्या भर देंगे, अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 आपको दिख रहा है, समुच्चय ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, जबकि 0 नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, अवयव नहीं है। फिर आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो अगली सवाल में उन्होंने कहा है कि जो 4 है खाली स्थान है ए, क्या 4 इसमें है,
तो हम लोग क्या लिख देंगे, हाँ है, और हाँ है को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, एप्साइलिन, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अवयव है, एलिमेंट का सीन ऐसे है, ठीक है। फिर आगे हम लोग आगे बढ़े पांचवे में आगे बढ़ रहे हैं, तो पांचवी सवाल है दो, क्या है, दो खाली स्थान ए, फिर से यहाँ क्या भरा जाएगा, दो है इसमें कि नहीं है, अगर दो इसमें दिख रहा है तो आप क्या भरोगे, चिन्ह बना दोगे किसका, अवयव है का। यदि जो जो संख्याएं यहाँ दी गई हैं वे संख्याएं इसमें नहीं दिख रही होंगी तो आप किसका चिन्ह बना दीजिएगा, कट कर दीजिएगा, क्या बना करके अवयव है का चिन्ह बना दीजिए और उस पर क्या कर दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, तो क्या पढ़ा जाएगा, अवयव नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ के देखते हैं छठवें में, छठवीं सवाल में कहा है कि जो 10 है फिर खाली स्थान कौन, ए, 10 खाली स्थान ए, बताइए क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, क्या यहाँ 10 है, 10 तो नहीं है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, अवयव नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली सवाल में उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, पहली बात तो हम आपको बता दें कि हमने आपको बताया है कि समुच्चयों को निरूपण करने की दो विधियां हैं, समुच्चय निरूपण करने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं, कौन कौन सी, एक तो थी तालिका विधि, क्या थी, तालिका विधि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर विधि भी कहते हैं, कौन सी विधि कहते हैं, रोस्टर विधि भी कहते हैं, और जो दूसरी विधि थी, कौन सी दूसरी विधि थी, उसका क्या नाम था, समुच्चय निर्माण विधि, क्या नाम था, समुच्चय निर्माण विधि, या इसी का दूसरा नाम क्या था, गुण विधि, ठीक। तो तालिका विधि या रोस्टर विधि में क्या होता था, तालिका विधि या रोस्टर विधि में हम समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते थे, कॉमा के साथ लिखते हैं, जबकि समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में हम समुच्चय को यक्स सच दैट यक्स उसे कैसे लिखते हैं, परिभाषित करते हुए लिखते हैं। तो ये जो हमारी फॉर्मेट होती है वो समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि के नाम से जानी जाती है। यदि हम समुच्चय के अवयवों को कॉमा के साथ मझले ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी रोस्टर विधि या तालिका विधि कहलाती है। अब हमारे सवाल में उन्होंने क्या कहा है कि सवाल में कहा है कि कुछ समुच्चय निर्माण विधि में सवालें लिखी गई हैं, उन्हें आप क्या लिखो, तालिका विधि या रोस्टर विधि में लिखो, ठीक है ना। जैसे पहली सवाल क्या कह रही है, सवाल नंबर तीन की पहली सवाल कह रहे हैं कि एक समुच्चय ए है, कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स क्या एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, आगे उन्होंने कहा है और जो पूर्णांक है वो -3 जो है वो यक्स जो है उसमें क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। आप एक ऐसा समुच्चय लिखो जो क्या हो, पूर्णांक हो, और वो पूर्णांक होने के साथ साथ -3 से बड़ा और 7 से क्या हो, छोटा। जिस विधि में ये लिखा गया है वो कौन सी विधि है, गुण विधि है या समुच्चय निर्माण विधि है। हमें इसे किस फॉर्मेट में लिखना है, तालिका विधि में लिखना है। आपको पता है ना कि तालिका विधि में कैसे लिखते हैं, कॉमा के साथ लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, समुच्चय ए -3 से बड़ा -2, उसके बाद कौन आएगा, -1, फिर कौन आएगा, 0, फिर कौन आएगा, 1, फिर कौन आएगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो यक्स है वो क्या है, छोटा है 7 से लेकिन बड़ा है किससे, -3 से। तो -3 से बड़े ये सारे नंबर हैं और 7 से छोटे ये नंबर हैं, इसलिए ये हमारा जो बन के तैयार हुआ है ये हमारा कौन सी विधि में है, तालिका विधि में है। कौन सी विधि में, तालिका विधि में। सवाल नंबर 2, तीसरे का दूसरा, कह रहे हैं कि बी, एक समुच्चय उन्होंने लिखा है जिसका नाम क्या है, बी, कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स, संख्या 6 से कम
छः से कम एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। अब बताइए संख्या छः से कम होनी चाहिए, आपको क्या लिखना है? प्राकृतिक संख्या लिखना है। क्या लिखना है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? एक से। कहां से? एक से। आपको एक लिखना है, फिर दो लिखना है, आगे बढ़ते हुए तीन, चार, पांच, बस। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगा रखी है यहां कि आप लिखिएगा तो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? छह से कम होनी चाहिए। जो संख्या होनी चाहिए वो कितने से? छह से कम होनी चाहिए। तो हमने जो लिखा है वो कौन है? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में कहा जा रहा है कि एक समुच्चय सी, एक कौन है? समुच्चय सी है। और जो समुच्चय सी है उसमें वो कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना है? आठ। यक्स सच दैट यक्स दो अंकों की, ऐसी संख्या, दो अंकों की ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनमें उनके अंकों का योग, जिनमें उनके अंकों का योग, क्या हो? आठ हो। क्या हो? आठ है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, दो अंकों की संख्या में लिखनी है। कितने अंकों की लिखनी है? दो अंकों की लिखनी है। और दो अंकों की संख्या तो लिखनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनके अंकों का योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आठ होना चाहिए। तो ध्यान से हम लोग जो लिख रहे हैं वो फॉर्मेट हमारा कैसा होना चाहिए? फॉर्मेट हमारा होना चाहिए कि अवयव को कामा के साथ लिखें। तो अवयव को कामा के साथ कैसे लिखेंगे कि उनके अवयव का योग 11 हो? पहले तो आप समझ लीजिए, पहली बात तो हमें दो अंकों की संख्या लिखनी है, दूसरा उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? आठ होना चाहिए। जैसे आप दो अंकों की पहली संख्या ढूंढोगे तो आपको कौन मिलेगी? दस। क्या मिलेगी? दस। और दस में कौन कौन से अंक है? ये इकाई का अंक है और ये कौन सा है? दहाई का अंक है। ठीक है ना? अब आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे आपस में तो दस एक प्लस क्या करोगे? जीरो करोगे और आंसर आपको क्या मिलेगा? एक। क्या मिलेगा? एक। आपको ऐसे ही दो अंकों की संख्या ढूंढ करके यहाँ कॉमा के साथ लिखनी है जिनमें उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? आठ होना चाहिए। जैसे हम अगर पहली संख्या दो अंकों की लिखे जिनमें उनके अंकों का योग कितना हो? आठ हो, तो वो कौन हो सकती है? जैसे हम लिखे तिरपन। क्या लिख दें? तिरपन। तिरपन तो हम तिरपन लिखते ही आपको समझ आएगा कि हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? 35 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 35 भी लिख सकते हैं। फिर उसी हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं? और भी संख्याएं हैं, जैसे हमें 62 लिख सकते हैं। अगर 62 लिख सकते हैं तो आपको ध्यान आएगा इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 26 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें अंकों का योग कितना हो रहा है? 8। देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 और 7 भी लिख सकते हैं, 17, 7 और 1, 8, फिर क्या लिख सकते हैं? 7 और 1 भी लिख सकते हैं, 71, कितना? 7 और 1, 8, और कौन सा लिख सकते हैं? 80 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 और 0 को जोड़ेंगे तब भी तो हमारा आंसर कितना मिलेगा? 8 ही तो मिलेगा। और कोई नंबर छूट रहा है? कोई भी नंबर नहीं छूट रहा होगा। ठीक है, कौन कौन? आप इसे सीक्वेंस से भी, सीक्वेंस में भी लिख सकते हो। कैसे? इसी समुच्चय को सबसे पहले 17, फिर कौन? 71, फिर 26, फिर 62, फिर 35, फिर 53 और 80। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। सवाल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है कि एक समुच्चय डी लिखिए। एक समुच्चय क्या लिखिए? डी लिखिए, जिसमें क्या लिखा गया है? यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है? भाजक। एक अभाज्य संख्या। क्या लिखना है? एक अभाज्य संख्या। एक क्या लिखना है? अभाज्य संख्या जो 60 का, 60 का क्या है? भाजक। 60 का क्या है? भाजक।
पहले तो स्पष्ट कर लीजिए, इसमें दो बातें हैं, कौन कौन सी? एक तो यहाँ आपको समझना है आभाज संख्या, दूसरी यहाँ क्या समझना है आपको? भाजक। ठीक है ना, ध्यान से। अभाज संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं, कौन सी? वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, या आप अगर सीधी परिभाषा बताना चाहें तो अभाज संख्या की परिभाषा बताएं कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं या विभाजित होती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसी प्रकार से भाजक की बात करें तो भाजक का मतलब है कि आप जो भी नंबर लिखोगे वो सभी नंबर सात को क्या करने चाहिए? डिवाइड करने चाहिए। क्या करने चाहिए? डिवाइड करने चाहिए, कट करने चाहिए। उसे विभाजित कर देंगे तो वो जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? इसका भाजक होंगी। जैसे हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं या तालिका विधि जिसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो अभाज्य संख्या लिखनी है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ हमने क्या लिख दिया? दो। दो 30 60 को डिविजिबल कर देगा, इसलिए दो हमारा जो हो जाएगा वो अभाज्य संख्या भी हो जाएगी और 60 का क्या हो जाएगी? भाजक भी हो जाएगी। फिर हमने क्या लिख दिया? तीन। क्या लिख दिया? तीन। तीन लिखा तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा? इसे तीन अभाज्य संख्या भी है और 7 को क्या कर रही है? डिवाइड भी कर रही है। फिर हमने कितना लिखा? तीन के बाद कौन? चार हो नहीं सकता क्योंकि 4 सम संख्या है। 5 लिखते हैं, 5 क्या करेगा? 7 को डिवाइड कर देगा, इसलिए 5 भी हमारा क्या हो जाएगा? इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कितना लिख सकते हैं? और कोई नंबर 5 के बाद 6 आएगा, लेकिन वो क्या रहेगी? सम संख्या रहेगी, नहीं हो पाएगा। उसके बाद हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है, तो 5 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन है? 7। 7 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद कौन है? 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, लेकिन 11 से भी ये फिर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फिर कौन सा नंबर आएगा? बस इतने ही नंबर हैं जो क्या करेंगे? 7 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 हो गई है। पांचवी सवाल देखिए ध्यान से। पांचवी सवाल में क्या है? पांचवी सवाल में उन्होंने एक समुच्चय लिखा है, कौन सा समुच्चय? ई। क्या लिखा है? समुच्चय ई। समुच्चय ई में उन्होंने लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, यहाँ लिखा है टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी आर वाई, ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों के जो समुच्चय हैं वो कौन कौन से हैं? अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान से, अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में समुच्चय के अवयवों को समझाते हुए उदाहरण जो लिया था वो हमारा उदाहरण था चाय का। किसका था? चाय का। चाय जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनती है वे सभी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय के अवयव, और चाय के क्या कहलाते हैं? अवयव। जैसे चीनी हो गई, पानी हो गया, दूध हो गया, चीनी पानी दूध अदरक, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे चाय के अवयव हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ जो समुच्चय के समुच्चय में जो लिखे जाते हैं वे सब समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। ठीक, अब ध्यान सुनिए कि अगर आप चाय बनाए और चाय में क्या हो जाए? बन जाए, और चाय बनने के बाद आप फिर से क्या डालें? अदरक डालें। क्या डालें? अदरक। तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता। मतलब कि एक बार जो चीज़ें बन जाती हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वादानुसार सब चीज़ें तो डाल लेते हैं, तो उसको दोबारा नहीं डालते हैं। तो उसी प्रकार से कि जब समुच्चय में अवयवों को लिखा जाता है तो किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा कि समुच्चय में अवयवों को दोहराया नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम कोई समुच्चय लिख रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या लिख रहे हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो एक 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 ऐसे ऐसे नहीं लिखते रहेंगे कि 2 3 4 5 भूल ही जाएं लिखना, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम समुच्चय के अवयवों को सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास जो है वो कौन है? टी है, और कौन है? आर है, फिर कौन है? आई है, फिर कौन है? जी है, फिर कौन है? ओ है,
फिर कौन है? यन है। और उसके बाद फिर से कौन है? ओ है। इसलिए हम लोग ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर कौन लिखेंगे? यम लिखेंगे। और उसके बाद ई लिखेंगे। फिर किसे लिखेंगे? टी तो एक बार लिख चुके हैं इसलिए दोबारा फिर से टी को नहीं लिखेंगे। आर भी लिख चुके हैं इसलिए आर को भी नहीं लिखेंगे। और फिर लिखेंगे कौन? वाई। ये हो गई आपकी कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। ध्यान दीजिएगा कि रोस्टर फॉर्म में कभी भी अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। ठीक है, अगली सवाल की हम लोग बढ़े हैं। छठी सवाल ध्यान देखिए। छठी सवाल में कह रहे हैं बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। यफ बी ई डबल टी ई आर बी डबल टी आर के अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। तो ध्यान से देखिए बेटर के अक्षरों का समुच्चय उन्होंने कहा है। हमने आपको अभी भी समझाया है कभी भी अवयव समुच्चय में अवयवों को क्या किया जाएगा? दोहराया नहीं जाएगा। तो हमारा ये जो समुच्चय लिखा जाएगा किस विधि में? तालिका विधि में या रोस्टर फॉर्म में। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। फिर कौन लिखेंगे? ई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए बी लिख दिए, फिर क्या लिख दिए? ई लिख दिए, फिर टी लिख दिए, फिर टी आया। अब टी को दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ई आया, ई को भी दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? आर। तो ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गई किसकी? बेटर के अक्षरों के समुच्चय का। ये हमारा कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।